कार्यालय के 3 वर्ष पूरे कर चुके पालिका अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी द्वारा बोर्ड की मीटिंग के बाद सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान और सभी सभासदगण मौजूद रहे। इस दौरान बसपा सांसद और पालिका अध्यक्ष ने सभासदों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने बताया कि बोर्ड की मीटिंग थी और 3 वर्ष हमारे कार्यालय के पूरे हो चुके हैं, इसी खुशी में हमने उनको सम्मानित किया है। उन्होंने बताया कि 3 साल के कार्यालय में जो कार्य नगर में हुए हैं, सभासदों का पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने बताया कि 3 सालों के अंदर नगर में जो कार्य हुए हैं वो आपके सामने हैं। देवबंद से अफजाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज बोर्ड की मीटिंग थी और आज जो है 3 साल का कार्यकाल नगर पालिका का पूरा हो गया है, तो आज इस खुशी में जो हमारे नगर पालिका के सभासदगण हैं तो उनको सम्मान दिया, उनको सम्मान किया उनका। और जो हमारे आज जो हमारे सांसद हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान साहब, तो उनको भी आज इन्वाइट किया गया था, वो भी आज यहाँ इस खुशी के मौके पर यहाँ पर आए हैं, तो मैं इनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन 3 साल के अंदर जो विकास कार्य देवबंद के अंदर हुआ है उसके अंदर सभी सभासदगणों का मेरी साथ में पूरा भरपूर ताबून रहा है, तो मैं इनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जी, आपको बताना चाहूँगा, आज देवबंद नगर पालिका परिषद में बोर्ड की मीटिंग थी और आज ये प्रोग्राम हुआ है। आज सभी माननीय सभासदगण और चेयरमैन साहब ने अपने 3 वर्ष पूरे किए हैं और मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरा जो हमारा नगरपालिका स्टाफ है, नगरपालिका के कर्मचारी हैं, नगरपालिका के अधिकारी हैं, हमारे सभी सभासदगण हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, आज देवबंद नगरपालिका के सभा कक्ष में मौजूदा बोर्ड के 3 साल पूरे होने पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया नगर पालिका वर्कर्स यूनियन की तरफ से, जिसमें हमारे मौजूदा चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी साहब और बोर्ड के प्रभारी SDM साहब और इसके साथ साथ नगर पालिका में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड सभी मेंबर्स का सम्मान किया गया। और इस मौके पर जो विकास कार्य इस बोर्ड की जानिब से कराए गए उनका उल्लेख किया गया।